हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, फिर हम समझेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स, फिर हम समझेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर का फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है और वो कौन कौन सी फिजिकल सिचुएशंस है जिनमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का हमें यूज़ करना पड़ता है, क्यों हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है या आपने नहीं पढ़ा है इसको, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और पूरा देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पेन और कॉपी लेके बैठें और नोट्स बनाएं अच्छे से, तब आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ सीखने को मिलता है, कुछ फ़ायदा होता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ने से पहले हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हमने दो लॉ पढ़े थे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें क्या करते थे हम, दो वेक्टर हैं उनको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है उसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला, उसका हमने डायरेक्शन निकाला। सिमिलरली यहाँ पर भी हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। और जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इट्स वेरी इजी। तो अब देखो किस तरीके से हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी को हम कैसे लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर करेंगे तो उसको हम लिखेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों सेम नहीं होंगे, ये अलग अलग होंगे। तो अगर मैं इसको नाम देता हूँ R1 वेक्टर, तो फिर मुझे ऐसे कुछ और नाम देना पड़ेगा, लेट से R2 वेक्टर। हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को आगे पढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहाँ ये यूज़ होता है, इसका फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एक बार आप समझ जाओगे कि इसका यूज़ प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ होता है तो फिर आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर हमने क्यों पढ़ा था, क्योंकि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करती है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़, जिनको हमें समझने के लिए ऐड करना पड़ता है, सिचुएशन में उसको ऐड करने की जरूरत पड़ जाती है। सपोज़ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, आप सपोज़ यहाँ से यहाँ गए और फिर आप यहाँ से यहाँ चले गए, आपका डिस्प्लेसमेंट दो बार हुआ, एक बार ये और एक बार ये, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ है। और आप लिखते हो किस तरीके से, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस वन वैक्टर प्लस एस टू वैक्टर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको वैक्टर का एडिशन करना पड़ा, इसलिए आपने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। एक और एग्जांपल मैं आपको वेक्टर एडिशन का देता हूँ। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये है F1 वेक्टर और ये है F2 वेक्टर। और आपको अगर निकालना है नेट फोर्स क्या है, तो आपको नेट फोर्स निकालने के लिए करना क्या होता है, जितने भी वैक्टर्स जितने भी फोर्स होंगे उन सबको आपको वैक्टोरियली ऐड करना होता है। तो नेट फोर्स निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ा, वेक्टर का एडिशन। तो अब देख रहे हो कि आपने वेक्टर एडिशन क्यों पढ़ा था और कहाँ पे जरूरत पड़ती है एक्चुअली में वेक्टर्स को ऐड करने की, तो ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली सपोज आप जो है कहीं जा रहे हो, इस तरीके से पहले आप इधर जा रहे थे, ये आपकी इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर है, फिर अचानक से आपका मन किया और आप जो है मुड़ गए इस तरीके से, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो गई। और आपसे किसी ने पूछा फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड डेल्टा वी, तो आप क्या करोगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे ना। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए आपको दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ रहा है, तो अब जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पे, तो आपको उस वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखना ही पड़ेगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो फाइनल पोजिशन इनिशियल पोजिशन दो वेक्टर का आपको यहाँ भी सब्ट्रैक्शन करना पड़ा। तो आप समझ गए होंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ऐसी और भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है
जब उनका जिनका कि वेक्टर सब्स्टिट्यूशन हमें करना पड़ता है जरूरत पड़ने पर, इसलिए हम वेक्टर सब्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं। ओके, अब सब्स्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को समझने के लिए आपको दो छोटी छोटी चीज़ पता होनी चाहिए, वो दो छोटी छोटी चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और फिर हम वेक्टर सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे अच्छे से। तो जो पहला पॉइंट है जो हमको समझना है, अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। अपोजिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मान लेते हैं सपोज एक वेक्टर है ए, तो इसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जो कि सेम मैग्नीट्यूड का हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो हमें पता है कि वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब जो इसका अपोजिट वेक्टर है उसका उसकी जो लेंथ है वो भी इतनी ही होगी, और अपोजिट इन डायरेक्शन मतलब उसका एरो उल्टा होगा। तो हमने क्या किया है, एक वेक्टर का बस डायरेक्शन रिवर्स किया है, और हमें पता होना चाहिए कि कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर रिवर्स करना है तो हमें उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो अगर ये जो ए वेक्टर है इसको मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए वेक्टर, और ये जो है स्टूडेंट्स अपोजिट वेक्टर बन गया, किसका, ए का, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ बी। तो ये क्या हो गया, माइनस ए वैक्टर। अच्छा, अपोजिट वेक्टर आपको पता है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे जरूरी है वेक्टर सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, आप मुझे ये बताएं कि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है। तो कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है तो हमें सबसे पहले उसे टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ता है, और फिर मैं एंगल निकालूंगा तो एंगल कितना बना, 180, राइट। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद अपन रेडी है सब्स्टिट्यूशन वेक्टर को समझने के लिए। सपोज एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा। तो क्या बता सकते हो कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना है? बताएं स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप बता सकते हो, और वो होगा 180 माइनस थीटा। देखो जरा कैसे, ये अगर बी वेक्टर है तो पहले इसका माइनस बी वेक्टर निकालो, माइनस बी वेक्टर कैसा होगा, उसका ऑपोजिट। और माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर में अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है तो पहले तो जो वेक्टर की रिजल्टेंट कह रहा हूँ एंगल निकालना है तो पहले तो उन दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करो। तो ये अगर माइनस बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर को मैं पहले ऐसे बनाऊंगा, ये हुआ माइनस बी वेक्टर। हमें पता है ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, ये 180 है, राइट, ये थीटा है। तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 180 माइनस थीटा। इतनी सी बात समझनी थी। तो अब ध्यान रखेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल अगर थीटा है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अब हम वेक्टर सब्स्टिट्यूशन समझने के लिए हो गए हैं तैयार। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम लिखते हैं किस तरीके से, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और हमने इसको नाम क्या दिया था, आर टू वेक्टर। इसको इस तरीके से लिखने की जगह मैं अगर ऐसे लिखूं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, और अब आप देखो क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली, देखो माइनस बी वेक्टर भी तो एक नया वेक्टर है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो फिर ये तो वेक्टर एडिशन ही हो गया, और वेक्टर एडिशन के तो फॉर्मूले तक पता है हमें। ये जो माइनस बी वेक्टर है इसको मैं एक नया वेक्टर बना देता हूँ, सी वेक्टर। तो R2 क्या हो गया, A प्लस सी, अब तो एडिशन ऑफ वेक्टर दिख रहा है, वेयर हमें ये पता है कि C वेक्टर क्या है, माइनस B वेक्टर। तो अगर मैं R2 की वैल्यू निकालूंगा मैग्नीट्यूड, तो R2 क्या होगा, R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac कॉस ऑफ एंगल बिटवीन A एंड C, या ये कहें एंगल बिटवीन ए और माइनस बी, क्योंकि सी क्या है, खुद माइनस बी है। तो अब जरा देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ भी लिया है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल है थीटा तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में एंगल कितना होता है, 180 माइनस थीटा। ये हमने ड्रॉ किया इस तरीके से, माइनस बी वेक्टर, या तो हम इसको सी वेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो यहाँ मैं पुट करता हूँ 180 माइनस थीटा, और आपको अब देखो अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर सी की जगह पे बी लिख देते हैं प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो क्या फॉर्मूला बन गया फाइनली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और ये क्या है एक्चुअली में, ये हमने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला है, डेट इज आर टू। मैं इसको सिंपली आर टू ही लिख देता तो ये आपको समझ में आ गया। और देखो हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या निकाला था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए माइनस बी का क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, अगर माइनस आया तो माइनस, प्लस आया तो प्लस। ध्यान रखेंगे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एकदम बात क्लियर। इसको मैं आर वन भी ले सकता हूं। तो हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब डायरेक्शन जरा निकाल लेते हैं। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब हमें रिजल्टेंट निकालना था तो हमने क्या किया, सबसे पहला पैरेललोग्राम लगाते हैं, जिन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है उनको टेल टू टेल ज्वाइन कर दो, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और ये बन गया रिजल्टेंट। अब हमें ए माइनस बी निकालना है, मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, इसका मतलब माइनस बी और ए का रिजल्टेंट ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आता है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन किया, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो ये बन गया ए माइनस बी। या तो मैं लिखूं इसको ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर, या फिर मैं इसको लिखता हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपने देखा ये है, ये हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हुआ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो अगर मैं ए माइनस बी वेक्टर को शिफ्ट करूँ ऐसे ऊपर की तरफ, तो आप देखोगे कि ये वेक्टर जो है ये ए माइनस बी वेक्टर ही है, ये दोनों पैरेलल है। तो कोई भी वेक्टर को हम अगर शिफ्ट कर दें पैरेलल टू इटसेल्फ तो वेक्टर चेंज थोड़ा ना होता है, तो ये हो गया ए माइनस बी। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर को लेकर टेल टू टेल ज्वाइन करके आप पैरेललोग्राम बनाओ तो उसके दो डायगोनल होंगे, एक डायगोनल तो उनकी कॉमन टेल से पास हो रहा होगा और दूसरा जो उनके हेड से पास हो रहा होगा। तो जो कॉमन टेल से पास होता है वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो हेड से पास होता है वो होता है सबस्ट्रेक्शन ऑफ वेक्टर। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको एक एरो का ध्यान रखना है, तो एरो किधर बनता है, देखो ए माइनस बी वेक्टर किसकी तरफ है, ए की तरफ है। बस ध्यान रखेंगे हमेशा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पहले वेक्टर की तरफ होता है। तो हमने देख लिया सबस्ट्रेक्शन ऑफ वेक्टर कितना ईजी है, फॉर्मूला कितना ईजी है। और अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, सपोज आप कहीं जा रहे हो और पहले आप इस तरीके से टूवर्ड्स राइट जा रहे थे विथ 3 meter per second स्पीड, फिर आपका मन किया चलते रहे आपका मन किया कि आप मुड़ जाते हैं, तो आप क्या करें ऊपर की तरफ मुड़ गए, आपने एक राइट टर्न लिया और आप फाइनली 4 meter per second से ऊपर की तरफ जाने लगे। आप मान सकते हो ये एक्स है और ये वाई है। क्वेश्चन सिंपल सा है, क्वेश्चन ये है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, मतलब आपको डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकालना है और आप डायरेक्शन भी बताओ। तो आप चाहो तो एक बार खुद से ट्राई करो, चलो स्टूडेंट्स ट्राई करो खुद से फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, वीडियो पॉज करो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या है चेंज इन वेलोसिटी। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी थी तो मैं इसको नाम देता हूँ वी आई, और ये मैग्नीट्यूड है तो मैं इसको मॉड की फॉर्म में देता हूँ, और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है तो ये वी फाइनल, और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख दिया अपन ने। हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस वी फाइनल का स्क्वायर
माइनस, देखो वेक्टर सबसे निकालते हैं तो माइनस आ जाता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखता हूँ टू वी वन या वी इनिशियल वी फाइनल इन टू कॉस ऑफ थीटा। ये थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वी वन और वी इनिशियल और वी फाइनल, वहाँ पे भी एंगल बिटवीन क्या था? एंगल बिटवीन ए एंड बी। चाहे अपन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, चाहे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, थीटा क्या था? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पर भी इनिशियल और फाइनल। तो अब देखो यहाँ पे दो वेक्टर का हमें अगर सब्सट्रैक्शन निकालना है या रिजल्टेंट निकालना, तो सबसे पहले उन दोनों को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो। तो ये है वी इनिशियल और वी फाइनल जो ऐसा बना है, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे इसकी टेल पर। तो ये लो, ये हो गया वी फाइनल। अब हमने देखा था कि अगर यहाँ पे एंगल कितना है, ये 90 एंगल है क्योंकि उसने 90 डिग्री टर्न लिया। तो इतना तो क्लियर हो गया कि कॉस की वैल्यू क्या है, 90। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 90 पुट करूँगा, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा और अब वैल्यू पुट करना बाकी रह गया। तो अब देखो वी वन स्क्वायर, वी वन कितना था? 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 0। और ये तो हम देख ही रहे हैं ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आया है 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको जरा देख लो, डायरेक्शन के साथ देख लो, और वेक्टर नहीं लगाते तो कैसे करते उसको भी देख लो। कोई भी दो वेक्टर का रिजल्ट निकालना है तो हमें करना क्या है, पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है। तो हम पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। ये बन गया। तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा, ये तो एक स्क्वायर की तरह होगा, उसके दो रिजल्टेंट होंगे, दो डायगोनल होंगे और दोनों के दोनों कोई एक ए प्लस बी रिप्रेजेंट करेगा तो एक ए माइनस बी। ए प्लस बी कौन सा रिप्रेजेंट करता है, जो कि कॉमन टेल से पास हो रहा है। तो वी अगर मुझे निकालना होता सिंपली, ये वेक्टर क्या होता, ये वेक्टर होता वी इनिशियल प्लस वी फाइनल। लेकिन इसका कोई फिजिकली मीनिंग नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें क्या निकालना है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वो दूसरा डायगोनल होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है, ये होगा। और अब आप मुझे बताओ कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैंने अभी भी बताया था कि ए माइनस बी का डायरेक्शन किधर होगा, एरो किधर बनेगा, पहले वेक्टर की तरफ। तो यहाँ पर भी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का जो एरो होगा वो पहले वेक्टर की तरफ होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। क्या आपको समझ में आया ये बात? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन डिराइव करने वाले हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। पिछले जो हमने डिस्कस किया है फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, उसी के ऊपर। अब देखो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करने वाले हम। देखो आर टू जो हमने निकाला था वो क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। अगर ए और बी मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो जरा देखते हैं। आर टू को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी को भी ए ही लिख देता हूं माइनस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। और अब देखो ये टू ए स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा बन गया। अब यहां पे देखना, मैं छोटा सा कुछ चेंज करूंगा। यहाँ पे आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, और एक साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है तो ये टू आ जाएगा यहाँ पे, और ये बन गया कॉस टू थीटा। अब देखो वन माइनस कॉस टू थीटा कितना दिख रहा है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय नहीं अभी थीटा ही है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा और चेंज लाने वाला हूँ। सपोज थीटा की जगह पे मैं थीटा बाय टू पुट कर दूँ तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, वन माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अगर थीटा को थीटा बाय टू रख दूंगा तो यही तो बनेगा, यहाँ भी थीटा बाय टू कर दिया, यहाँ भी थीटा बाय टू कर दिया, तो ये बन गया। अब मैं इसी चीज़ का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ।
टू ए स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा लिखता हूं मैं टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, राइट। अब देखो टू और टू, टू का स्क्वायर तो बाहर क्या आ गया टू, यहाँ ए स्क्वायर है तो ये भी ए बाहर आ गया, और यहाँ पे साइन थीटा बाय टू। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर फॉर्मूला हमने वेक्टर एडिशन में भी निकाला था कि अगर ए और बी बराबर है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया था वो टू ए कॉस थीटा बाय टू आया था, टू ए कॉस ऑफ थीटा बाय टू, और यहाँ पे टू ए साइन थीटा बाय टू। तो ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखने हैं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें इसका यूज भी होगा। ओके स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में घूम रहा है विद कॉन्स्टेंट स्पीड। किसी इंस्टेंट पे टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर दिया उसने, और कुछ टाइम बाद सपोज टी इज इक्वल टू पे वो इधर जा रहा है, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है उसने 60 एंगल घूम लिया तब तक। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो कैसे निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी? बड़ा ईजी फॉर्मूला है हमारे पास। देखो या तो मैं वो फॉर्मूला लगाऊँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा वाला, या फिर जो अभी अभी हमने सीखा कि जब ए और बी बराबर होते हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर बराबर है, तो उस केस में क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने अभी, टू ए साइन थीटा बाय टू। तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ टू वी साइन थीटा बाय टू, राइट। पर थीटा क्या होता है? थीटा होता है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इसमें एंगल, बस वो आपको देखना है। तो आप कैसे देखोगे? बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से देखो ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 है, राइट। ये जो वेलोसिटी वेक्टर बनाया हुआ है हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इसको अपन उठा के यहाँ नहीं शिफ्ट कर सकते, जैसे मैं आपको बताता हूँ शिफ्ट करके, ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर ही तो है, सेम। अच्छा ये पूरा एंगल तो क्या है 90 है, राइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एंगल भी तो 90 होता है, मतलब ये पूरा एंगल 90 है, उसमें से इतना क्या है 60 है, तो ये कितना हो गया 30, ये 30 है और ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। ये है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। आप देख रहे हो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 60, और देखो खट से आंसर आ गया डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v कितना है 5 इंटू साइन 60 बाय 2 मतलब 30। आंसर कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि साइन कितना होता है 1 बाय 2। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब्सट्रैक्शन वेक्टर अच्छे समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स हैप्पी लर्निंग।